Hi students, welcome back to the next sessions of Debye approximations. In the last sessions we discussed the total energy of atoms in a crystal when it's vibrate. तो लास्ट एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया था तो ये वाला आया था, इसको हमने नाम दिया था इक्वेशन 6 का. इक्वेशन 6 में हमने टोटल एनर्जी फाइंड की थी, तो यही इक्वेशन 6 यहाँ पर मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये इक्वेशन 6 है. Now we can find the specific heat. तो specific heat जो होगी तो उसका formula Cv is equal to partial E over partial T. ये specific heat का formula है. तो इस equations को जब differentiate करेंगे, जहां से इसे differentiate करेंगे तो इसका जो result आएगा तो वो हमारे पास ये आएगा Cv is equal to differentiate with respect to T करना है तो ये बन जाएगा 9N Kb. T जो होगा तो इसका डेरिवेटिव यहां पर 1 T क्यूब ओवर थीटा d यहां पर क्यूब है 0 टू न्यू d x पावर 4. तो ये हमारे पास बन जाएगा ये x पावर 4 और ये e पावर x, और इसका जब लेंगे तो e पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर इनटू d ऑफ x. तो ये स्पेसिफिक हीट जो टोटल एनर्जी आई है तो टोटल एनर्जी का हमने डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू टी. तो ये वाली इक्वेशंस हमारे पास इस तरीके से बनेगी. एक और चीज यहां पर कि जब हमने ये कहा था कि इस केस में जो जब हम पुट करेंगे ये वाली लिमिट पुट करेंगे इक्वेशन 6 में तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी मैक्सिमम, तो इसको हम एक्स एम का नाम देंगे. लेकिन जब ये वाली कंडीशंस होगी तो इसमें ये आएगा थीटा डी ओवर टी. थीटा डी कौन सा है? जिसे कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर या डिबाय टेम्परेचर भी कहा जाता है. तो इसे हम ऐसे पुट कर लेंगे थीटा डी ओवर टी. तो अब इस इक्वेशंस को हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं सी वी इज इक्वल टू, इसे मैं ऐसे लिखता हूं 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एन के बी. इसे थीटा डी ओवर टी, जैसे हमारे पास ये है ए डिवाइडेड बाय बी तो इसे बी डिवाइडेड बाय ए, तो इसे मल्टीप्लाई कर लें तो इज इक्वल टू 1. तो इसे थीटा डी ओवर टी से मल्टीप्लाई, तो इसी तरीके से टी ओवर थीटा डी, इसे मींस के मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी किया. तो साथ यही वाली टर्म टी थीटा डी क्यूब 0 टू थीटा डी ई पावर एक्स एक्स 4 ई पावर एक्स माइनस 1 स्क्वायर इनटू डीएक्स. नाउ द स्पेसिफिक हीट सी इज इक्वल टू, ये जो इसके साथ 3 था तो इस 3 को यहां पर लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3 एन के बी, जिसे एन को बाद में एवोगाड्रो नंबर भी लिया जाएगा. तो अब ये जो है तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे लिख लें थीटा डी ओवर टी इनटू टी ओवर थीटा डी, जब बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी तो ये 4 बन जाएगा. तो इसके साथ स्क्वायर भी है तो स्क्वायर नहीं, ये जो 3 इसके साथ है तो 3 को इसके साथ लिखेंगे. जब 3 इसके साथ लिखेंगे तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर लें, ये वाला 3 जो था तो 3 को इसके साथ ऐसे लिखें 3, तो 3 इंटू 3 वही 9 बन जाएगा. तो ये क्या है टी अवर थीटा डी पावर 4 0 टू थीटा डी ई पावर एक्स एक्स पावर 4 ई पावर एक्स माइनस 1 स्क्वायर इनटू डी ऑफ एक्स. इसको नाम दें इक्वेशन 7 का. इक्वेशन 7 में ये वाला जो टर्म है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है तो इस टर्म को हम यहां पर ये बोलते हैं कि ये फर्मी कि ये हमारे पास डिबाय फंक्शंस है. डिबाय फंक्शंस मींस कि इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एफ डी, एफ डी है डिबाय फंक्शंस इज इक्वल टू किसके इक्वल है 3
टी अवर थीटा डी फोर जीरो टू थीटा डी अवर टी जीरो टू थीटा डी अवर टी ई पावर एक्स एक्स पावर फोर ई पावर एक्स माइनस वन स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अब ये वाली जो इक्वेशंस है तो ये इक्वेशंस रिप्रेजेंट कर रही है डिवाइ फंक्शंस को, तो यही डिवाइ फंक्शंस की जो वैल्यू है तो इसको हम पुट करेंगे यहां पर इक्वेशन सेवन में। तो इक्वेशन सेवन हमारे पास बनेगी और साथ एक और भी ऐसे लिख लें कि इक्वेशन सेवन को कि n हमारे पास n इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, तो ये एन ए बन जाएगा। नाउ इक्वेशन सेवन इंप्लाइज दैट इक्वेशन सेवन इंप्लाइज दैट स्पेसिफिक हीट सी वी इज इक्वल टू थ्री, तो ये है एन ए के, ये किसके आर के इक्वल, थ्री आर, थ्री आर थीटा डी ओवर टी, थीटा डी ओवर टी इनटू, तो ये किसके इक्वल है डिवाइ फंक्शंस, तो इसकी जगह पर एफ डी और ये हमारे पास इक्वेशंस एट बन जाएगी। तो इक्वेशंस एट जो है तो इक्वेशंस एट रिप्रेजेंट कर रही है स्पेसिफिक हीट, यहां पर हम दो केसेस लेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस आइंस्टाइन के केस में लिया था, क्लासिकल थ्योरी में डिस्कस किया था, तो यहां पर भी दो केस डिस्कस करेंगे, एक हायर टेंपरेचर और लोअर टेंपरेचर। तो जो पहले हमने दो किए थे क्लासिकल थ्योरी और उसके बाद आइंस्टाइन, तो दोनों में फॉर हायर टेंपरेचर जो वैल्यू थी तो वो 3R थी, तो हायर टेंपरेचर के लिए तो वैलिड था, तो लोअर टेंपरेचर के लिए हम उसे भी देखेंगे और हायर टेम्परेचर के लिए भी। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि जो हमारे पास एक्सप्रेशंस आएगा तो वो कौन सा एक्सप्रेशंस आएगा। अब जो हमने वैल्यू पुट करनी है या हमारे पास जो मेन इक्वेशंस होगी इक्वेशंस ई, तो उस इक्वेशंस ई को, तो ये हमारे पास इक्वेशन सिक्स जो आ रही थी टोटल एनर्जी की इक्वेशंस, तो उस इक्वेशंस को लेकर हम आगे जाएंगे और उसी से हम डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे। तो केस वन और केस टू, एक फॉर हाई टेम्परेचर और दूसरा फॉर लोअर टेम्परेचर। नाउ वी डिस्कस फॉर हाई टेम्परेचर, तो जब टेम्परेचर हमारे पास हाई होगा तो ये लिखेंगे टी इज ग्रेटर देन या आर वाई ग्रेटर देन थीटा डी। थीटा डी कौन सा है, थीटा डी रिप्रेजेंट कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर आर डिवाइड टेम्परेचर को। तो जब ये वाला केस होगा तो इस केस में हम जो इक्वेशंस है हमारे पास अबव इक्वेशंस, तो इस इक्वेशंस को ऐसे लिखेंगे देन, अब इसमें डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है तो इसके ऊपर सीरीज अप्लाई करेंगे ई पावर एक्स माइनस वन, ये अप्रोच कर जाएगा एक्स को, कैसे करेगा ये देख लें, ई पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, जब एक्सपोनेंशियल की सीरीज ओपन करेंगे तो ये वन प्लस एक्स प्लस हायर ऑर्डर जो टर्म होगी एक्स स्क्वायर, तो उनको नहीं लिखते, प्लस अप टू सो ऑन और लास्ट में क्या होगा माइनस वन, ये वाला माइनस वन, वन और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये e पावर x माइनस वन ये किसके x के इक्वल रहेगा। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन सिक्स में, इक्वेशन सिक्स हमारे पास बन जाएगी, तो जब ये वाली कंडीशंस होगी तो अब यहां पर जो टेम्परेचर हमारे पास आएगा तो ये थीटा डी ओवर टी ये टेम्परेचर आएगा। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में पुट करने से ये बन जाएगा इक्वेशन सिक्स इंप्लाइज दैट एनर्जी इज इक्वल टू नाइन एन के बी टी T over theta d cube 0 to theta d over t x power 4 divided by e power x minus 1, तो ये किसके इक्वल है x के, तो ये dx। Now e is equal to 9 n k b t t over theta d cube 0 to theta d over t।
तो ये x तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स क्यूब था यहां पर, ये पावर है ये एक्स क्यूब, तो यहां पर भी एक्स क्यूब, एक्स इसके साथ पावर के साथ कैंसिल, एक्स स्क्वायर इनटू डी एक्स जस्ट रहेगा। तो E इज इक्वल टू 9nkBT डी ओवर थीटा डी क्यूब लिमिट, सॉरी इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इंटीग्रल, तो एक्स क्यूब ओवर 3 साथ लिमिट 0 टू थीटा डी ओवर टी। नाउ E इज इक्वल टू 3 इसके साथ कैंसिल, तो ये रहेगा 3n, 3n तो इसे मैं एवोकाडो नंबर लिख लेता हूं, के बी इंटू टी टी अवर थीटा डी क्यूब। अब इसमें जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा थीटा डी अवर टी माइनस जीरो, तो माइनस जीरो को नहीं लिखते तो इसका क्या आएगा, ये क्यूब आ जाएगा। जब इसका क्यूब आएगा तो बेसिस सेम है, तो ये पावर क्या हो जाएंगी, यहां से कैंसिल हो जाएंगी, इस ऐसे अगर कर लें तो ये ऊपर बेसिस सेम कर लें तो ये टी थीटा, तो इसको भी कर लें तो 3 और यहां पर ये माइनस 3, या यहां से भी ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो एनर्जी क्या बन रही है, एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू थ्री एन ए इंटू टी, और ये रिटर्न जो होगी 1 होगी। अब इसमें हम फाइंड करते हैं स्पेसिफिक हीट, जब स्पेसिफिक हीट फाइंड करेंगे तो ये बनेगा सी वी इज इक्वल टू पार्शियल ई अवर पार्शियल टी फॉर स्पेसिफिक हीट, तो इसका डेरिवेटिव ये, तो ये स्पेसिफिक हीट बन जाएगा 3 n a k b, ये रिप्रेजेंट करेगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी का डेरिवेटिव जो होगा ये 1 होगा। तो सी वी इज इक्वल टू 3 n a k b, ये किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो हायर टेम्परेचर के लिए जो यहां पर एक्सप्रेशन आया, तो सी वी इज इक्वल टू 3 r। तो ये कौन सा केस चल रहा है, डिबाय थ्योरी का केस चल रहा है। तो डिबाय थ्योरी जो है, तो ये पेटिट्स लॉ को ओबे कर रही है, आइंस्टाइन थ्योरी को भी ये ओबे कर रही है। दिस मीन्स द क्वांटम कंसिडरेशन कैरी ऑलमोस्ट नो सिग्निफिकेंट एट हायर टेम्परेचर। नाउ फॉर लोअर टेम्परेचर, तो सेकंड केस, लो टेम्परेचर। जब लोअर टेम्परेचर की बात करेंगे तो लोअर के लिए यहां पर क्या होगा, इसका ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर या डिबाय टेम्परेचर हाई होगा। जब डिबाय टेम्परेचर हाई होगा तो जो हमने ये लिया था एक्स एम इज इक्वल टू थीटा डी अवर टी, ये क्या हो जाएगा, ये अप्रोच कर जाएगा इंफिनिटी को, कैसे, यहां पर ये इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। अब यही कंडीशन हमने पुट करनी है इक्वेशन 6 में, तो इक्वेशन 6 हमारी ये बनेगी थीटा डी। नाउ इक्वेशन 6 इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू 9 n k b t टी अवर थीटा डी क्यूब 0 टू, कहां तक, अब थीटा डी अवर टी क्यूब जाए ये इंफिनिटी को, तो ये बन जाएगा इंफिनिटी एक्स इंफिनिटी, कैसे कि ये कम होगा तो ये हमारे पास इंफिनिटी, तो एक्स क्यूब ई पावर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसको नाम दें, लास्ट इक्वेशन जो थी तो चलें ए का नाम दे दें, अपने पास देख लें जो इक्वेशन आ रही है उसके मुताबिक नाम दें। तो ये हमारे पास इक्वल होता है, गिवन फंक्शंस अब यहां पर यूज करेंगे 0 टू इंफिनिटी एक्स क्यूब डी एक्स ई पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इक्वल होता है पाई अवर 15 के, पाई स्क्वायर सॉरी ये इक्वल है पाई पावर 4 अवर 15 के, ये कांस्टेंट की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे ऊपर जो इक्वेशंस है, तो इस इक्वेशंस में पुट कर लें, कौन सी इक्वेशंस ए में, तो इक्वेशंस ए इंप्लाइज दैट
Questions A implies that the average energy E is equal to क्या बनेगी 9N kPT into T over theta D cube. तो इसकी वैल्यू क्या आई है pi over 15. E is equal to इसके साथ कैंसल तो 3 over 5 n kBT. ये T है ये T cube इनको मल्टीप्लाई किया तो ये T power 4 over theta D cube. इस तरीके से ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा. और इसे मैं ऐसे लिखूं E is equal to 3 by 5 n kB over theta D cube T power 4 लिख लिया. ये क्या है 3 by 5 ये कांस्टेंट है, n kB ये भी कांस्टेंट, theta D ये भी कांस्टेंट हमारे पास होगा. वैल्यू किसकी टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हो रही है. एक इक्वेशन में आप लोगों को यहां पर ये लिख लेता हूं कि E is equal to sigma T power 4. E is equal to sigma T power 4 क्या है, sigma जो था तो यहां पर कांस्टेंट था. तो ये केस हमने डिस्कस किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में. तो ये हमारे पास कौन सा लॉ बन रहा है, यहां पर देखें कि ये स्टीफंस लॉ, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के कि एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स पावर ऑफ टेंपरेचर के. तो यहां पर देखें एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स पावर ऑफ टेंपरेचर के और साथ सम कांस्टेंट आ रहा है. तो ये एनालॉग हो रहा है किसके साथ, स्टीफन लॉ के साथ एनालॉग हो रहा है. अब ये वाली इक्वेशन जो है, ये दोनों इक्वेशन ऐसे, इसको मैं बी का नाम देता हूं. तो ये जनरल जो इक्वेशन है, देखें ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या करते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी सरफेस के ऊपर फॉल करवाते थे, उसका टेम्परेचर राइज करते थे. जो रेडिएशन एमिट होती थी उन रेडिएशन को हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते थे या कैविटी रेडिएशन कहते थे. अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, जस्ट जो उसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम फॉल करवाते थे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो थी तो वो नंबर ऑफ आर बंच ऑफ फोटॉन्स होती थी, वो रेडिएशन बंच ऑफ फोटॉन्स थी. लेकिन यहां पर हम क्रिस्टल में ये देखते थे कि जब फोटॉन्स मूव करते थे उसके रिजल्टेंट यहां पर फोनॉन जनरेट हो रहे थे. तो ये हम फोनॉन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे पास फोटॉन्स के लिए है और ये किसके लिए, ये फोनॉन के लिए है. तो ये दोनों रिलेशंस जो हैं, तो ये वाले रिलेशंस और ये रिलेशंस दोनों ये बता रहे हैं कि फोटॉन्स और फोनॉन जो है इनका स्टेटिस्टिक एक ही है, मींस इनके सेम रूल हैं, जस्ट इन दोनों में एक डिफरेंस है फोटॉन और फोनॉन में. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फोटॉन ओबे टी पावर 4, ये फोटॉन जो है ये ओबे करता है टी पावर 4 को एट ऑल टेंपरेचर, मींस हायर टेंपरेचर और लोअर टेंपरेचर के ऊपर, दोनों के ऊपर ये इसे ओबे करता है. लेकिन फोनॉन्स जब इंट्रोड्यूस हो जाता है तो फोनॉन्स फॉर अ हायर टेंपरेचर टी पावर 4 इसको तो ओबे करता है, फॉर हायर टेंपरेचर टी पावर 4 इसको ओबे करता है, लेकिन फॉर लोअर टेंपरेचर टी पावर 4 इसे ओबे नहीं करता. तो जस्ट एक डिफरेंस इन दोनों में, एक डिफरेंस के हायर टेंपरेचर पर तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोनॉन टेंपरेचर के, फोर्थ पावर ऑफ टेंपरेचर के, लेकिन लोअर टेंपरेचर के लिए फोनॉन ये डायरेक्ट इसे ओबे नहीं करता. जस्ट इसमें एक यही डिफरेंस है. अब इस इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड करते हैं स्पेसिफिक हीट. तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू फाइंड करेंगे. नाउ द स्पेसिफिक हीट Cv इज इक्वल टू 3/5, फिर इसके फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू पार्शियल E ओवर पार्शियल T, पार्शियल E ओवर पार्शियल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल, तो क्रिस्टल क्या है सॉलिड, तो सॉलिड में वॉल्यूम जितना भी होता है तो ये कांस्टेंट ही होते हैं. नाउ Cv इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव दिया 3/5 n kb ओवर थीटा d क्यूब, ये तो कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा 4 t पावर क्यूब.
फोर इंटू तो अब यहाँ पर देखें स्पेसिफिक हीट सी वी इज इक्वल टू 12 आवर 5। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से आ रहा है, एन के बी आवर थीटा डी क्यू टी पावर क्यू, इक्वेशन सी का नाम है। यहां पर देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ टेम्परेचर। तो ये वाली जो इक्वेशंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पेसिफिक हीट जिसमें क्यूब रूट ऑफ टेम्परेचर के, तो इस इक्वेशंस को हम ये बोलेंगे कि ये क्या है, दिस इज डिबे लॉ। कि अब देखें लोअर टेम्परेचर के लिए इसने एक्सप्लेन किया, हाइयर टेम्परेचर इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं कि ऐसे कि हम ये कह रहे थे कि इस तरीके से हाइयर टेम्परेचर के लिए तो क्लासिकल थ्योरी आइंस्टाइन थ्योरी तो दोनों में ये सेम था कि कांस्टेंट था, तो लोअर टेम्परेचर को एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। तो फिर आइंस्टाइन ने थोड़ा बहुत आइडिया दिया कि एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है लोअर टेम्परेचर पर, ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पर इसने ये बताया कि स्पेसिफिक हीट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, किसके क्यूब रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लास में हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ डीबाय मॉडल, बहुत अच्छे से इसने डीबाय ने एक्सप्लेन किया, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस कौन सा है, तो फर्स्ट ये लिखा हुआ है वैलिड फॉर लॉन्ग वेवलेंथ, कि डीबाय मॉडल को लॉन्ग वेवलेंथ के लिए हम वैलिड कर सकते हैं, मींस अगर वेवलेंथ लॉन्ग है तो फॉर ये है कि वैलिड फॉर लॉन्ग वेवलेंथ, तो लॉन्ग वेवलेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी स्मॉल होगी। सेकंड इसमें नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मॉड्स जो दिए हुए हैं तो 3n नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मॉड्स दिए हुए हैं, तो 3n नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मॉड्स से ये डिफिकल्ट होगा जस्टिफाई एज द सॉलिड कंसीडर्ड टू बी एन इलास्टिक कंटिन्यूम व्हिच शुड प्रोसेस इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी। एंड थर्ड वन ये कहा है कि कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर व्हिच इज डिवाइड टेम्परेचर थीटा डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, समटाइम थीटा डी जो है जो आर कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर तो ये भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और डिबाय मॉडल जो है तो इसे रियल या एक्चुअल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो होती है तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जा सकता। लास्ट के डिबाय ने में अगर ये देखा जाए तो एटम्स के दरमियान जो इंट्रेक्शंस है तो इसने इग्नोर किया है, इग्नोर इंट्रेक्शंस इन एटम्स, तो इसकी क्या है ये लिमिटेशंस। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि जो हमने स्टार्ट किया था क्लासिकल थ्योरी के बाद आइंस्टाइन थ्योरी के बाद पेटिट्स लॉ या डुलंग्स लॉ जिसे कहा जाता था, उसके बाद डिबाय मॉडल, फिर डिबाय एप्रोक्सीमेशंस। तो ये सारे 3 या 4 लॉ जो हमने थ्योरी डिस्कस की तो ये सारे की सारे एक ही चीज को डिस्कस कर रही हैं कि स्पेसिफिक हीट फॉर हाई टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक हीट फॉर लोअर टेम्परेचर। अगर पहला आप लोगों ने समझ लिया तो दूसरा आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा। अगर आप लोग ये चाहें कि हम डिबाय मॉडल को समझ लें तो उसके लिए आप लोगों को इससे पहला टॉपिक समझना जरूरी है।